रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रीन चिली फ्राई बनाएंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त बनती है रेसिपी की, तो देखते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम बताते हैं आपको वीडियो में। और सबसे पहले ग्रीन चिली को तोड़ लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद उगाई हैं, तो तोड़ते हैं इनको अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ग्रीन चिली जो है ये तोड़ ली है, तो इसको जाके फ्राई करते हैं। ये हरी मिर्च इनको फ्राई करेंगे बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होती हैं। तो करते हैं इनको अब हम फ्राई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो सब चिली जो है ना इसको अच्छे से धो के, हरी मिर्च भी यानी कि अच्छे से धो के रख लिया, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं वीडियो में। और करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मच्छों को एक टक लगा लेंगे, इसको एक टक लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे टक लगा के सब सेम सेम ऐसे ही कर लेनी है। थोड़ा काटना एहतियात से कि चूहे आपको ना लग जाए, क्योंकि इसकी जिले जो होती है वो थोड़ी सी प्लेन होती है, तो बड़े आराम से जो है ना इसको काटे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनने वाली है, आप खाएंगे तो हमें ज़रूर याद करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़रूरत के मुताबिक मिर्चों को जो है ना अच्छे से काट लिया, तो इनका अब हम बनाएंगे मसाला। तो करते हैं सबसे पहले मसाला तैयार। और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच डालेंगे बेसन, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे, ये हमने सूखे मसाले लिए हैं, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, और ये अजवाइन ली है, और ये लाल मिर्च, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच काला नमक, और ये कुछ हमने लिया है मसाला, आप चाट मसाला डाल लें या और कोई मसाला डाल लें, मिक्स मसाले जिसमें हो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक दफ़ा सूखा मिक्स कर लेना, फिर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डालना है, आपने ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मसला बनेगा। ये देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, इसमें अब हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आप 2 दफ़ा डाल लें, 3 दफ़ा डाल लें, कि आपका ये जो मिक्सर है ये ज़्यादा पतला ना हो। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह। तो इसमें अब हम जो है ना हरी मिर्चों को अच्छे से भर लेंगे, आप हाथ की मदद से भी भर सकते हैं और चमचे की मदद से भी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इनको अच्छे से भर लें अंदर से। बाद में इसको जो है ना ऐसे मिक्सर में जो है ना अच्छे से
डिप कर लें, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे ही सभी जो है ना उनको भर लेंगे, भर के अच्छे से जो है ना इसको मसाला लगा लेंगे जो हमने तैयार किया। तो इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी मिर्चों को अच्छे से मसाला लगा लिया। तो अब इनको करते हैं फ्राई। देखें माशाल्लाह देखने में ही बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, तो करते हैं फ्राई। और ऊपर रखते हैं कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल दिया घी को अब अच्छे से गर्म होने देंगे, गर्म होने तक करेंगे इंतज़ार। घी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया, इसमें डालते हैं हम अपनी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह देखने में बड़ी ज़बरदस्त, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राई होंगी तो देखने से जो खूबसूरत देखने में लग रही है इससे ज़्यादा माशाल्लाह मज़ेदार होंगी। और ये देखें एक साइड से थोड़ी सी पक गई हैं, तो इनकी साइड चेंज करते जाएंगे, ज़्यादा जल ना आ जाए। ये देखेंगे डुंडलियों का ये फ़ायदा है कि इनको आराम से पकड़ के भी आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मिर्चे फ्राई हैं बिल्कुल तैयार हो गई, माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गई। इनको निकाल लेंगे आराम से, देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनको उतारते हैं नीचे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिली फ्राई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह, देखने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आप ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो तक अपने बरार भाई को दें इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।